और राइट गाइस, तो आज है हमारे पास दो काफी ज्यादा पावरफुल पटाखे। पहला तो गाइस हमारे पास ये अनार और दूसरा हमारे पास है रॉकेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसका अंडर वाटर टेस्ट करने वाले, यानी कि गाइस इसे हम लोग पानी के अंदर जलाने वाले हैं और देखते हैं गाइस ये पानी के अंदर हमारा सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं इसका टेस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस रॉकेट का डंडा तोड़ लेते हैं ताकि गाइस ये रॉकेट हमारा पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जा सके। और यहाँ पर हमारे पास एक पाइप सेफ्टी के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसमें आग लगाते हैं। सो गाइस ये पानी के अंदर हमारा जाने के बाद भी जलता रहा, बट गाइस ये रॉकेट हमारा फूटा नहीं, तो चलिए इसे एक बार और ट्राई करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लोग एक और नया रॉकेट लेकर के आ चुके हैं और इसका भी डंडा हम लोग छोटा कर चुके हैं, तो चलिए अब इसमें भी आग लगाते हैं। सो गाइस अब की बार तो ये रॉकेट हमारा पानी के अंदर जाकर के फूटा, बट गाइस उससे पहले ये पानी के ऊपर टकरा के ये हवा में राउंड घूमने लगा था। तो चलिए गाइस अब हम लोग अनार का टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जुगाड़ की मदद से अनार को कुछ इस तरह से डंडे में सेट कर चुके हैं ताकि गाइस इसे हम लोग पानी के अंदर लेकर के जा सके। तो चलिए अब हम लोग इस अनार में आग लगाते हैं। तो गाइस पानी के अंदर अनार को जलाने से तो हमारा अनार नहीं बुझा, बट गाइस जिस तरह से अनार का फवारा निकलता है उसी तरह से गाइस पानी के अंदर अनार को जलाने से पानी का भी फवारा निकलने लगा था, और वो व्यू गाइस सच में काफी ज्यादा कमाल का था। तो इसे एक बार और ट्राई करना तो बनता है। गाइस हमारा ये दूसरा हम लोग फिक्स कर चुके हैं, तो चलिए इसमें भी आग लगाते हैं। सो गाइस इस बार भी हमारा ये अनार पानी के अंदर जाने के बाद भी नहीं बुझा, तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनार कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तो इस बात पे तो एक लाइक बनता है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सोच क्या रहे हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।